आरबीआई का एक बहुत मेन कंसर्न ये रहा है हमेशा से कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं वो हैक हो जाती हैं। जब वो हैक होती हैं तो जो एक आदमी पहली बार क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया, उसने क्रिप्टो परचेज करके एक्सचेंज पे रखा होता है, उसकी गाड़ी कमाई वो खो देता है वो रातों रात। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया हमेशा आरबीआई ने जब भी क्रिप्टो को उसने ये बैन किया है, बैंकिंग चैनल को उसने बैन किया है। तो यहाँ पे आईएमए के काउंसिल ने बहुत ही स्मार्टली एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हुए चीज़ को समझाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से उन्होंने एक जापान का एग्जाम्पल उठाया, उन्होंने बोला कि जैसे जापान के अंदर जब एक माउंट गॉक्स एक एक्सचेंज थी, वहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक माना जाता है, तो उसके अंदर इतना बड़ा हैकिंग अटेम्प्ट हुआ और वो वहाँ पे कई लोगों का पैसा गया, तो जापान की जो गवर्नमेंट है वो जगी, और जगने के बाद उसने रातों रात इंडस्ट्री को बैन नहीं कर दिया, ब्लॉक नहीं कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने उनको ये लगा सडनली जापानीज रेगुलेटर को और गवर्नमेंट को कि हम इस इंडस्ट्री को हमें उतरना पड़ेगा, हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें कुछ यार्ड स्टिक्स कुछ मापदंड बनाने पड़ेंगे और जिसके बाद ऐसा केस दोबारा ना हो। और आप यकीन करिए कि जब से रेगुलेटर ने ये कदम उठाए हैं, रेगुलेट किया है प्रॉपरली, ऐसा हैकिंग अटेम्प्ट जापान के अंदर नहीं हुआ है उसके बाद माउंट गॉक्स जैसा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हैकिंग, अगर फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर साइबर सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उनको आरबीआई डिफाइन करे, और जिस तरीके से क्या बैंकिंग चैनल के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन लोग ट्रांजैक्ट नहीं करते हैं, जो यार्ड स्टिक्स बैंकिंग चैनल में फियाट में जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, वैसे यार्ड स्टिक्स आप हमारी इंडस्ट्री में भी डिफाइन करिए, आप जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उनके लिए भी डिफाइन करिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि अगर हैकिंग्स होती हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी मेजर्स डिफाइन करिए, और फिर तो रेगुलेट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था। ऐसे और भी कुछ अगर आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो इंटरेस्टिंग लगेंगे हमें, आप तक ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।